फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अलग ही तरह की रेसिपी आपके सामने लेकर आए हैं। तो रेसिपी बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए। बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी सी स्पेशल बोल सकते हैं ये ट्रिक्स एंड बहुत अच्छा है। इसे आप पनीर को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे 1 kg पनीर ली हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी कि इसे मैं स्टोर करके कम से कम महीनों दिन के लिए कैसे रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है, घर में पनीर खाने का मूड हो और घर में नहीं मिलता तो उस कंडीशन में आप अगर इस तरह से पनीर को रखेंगे तो बहुत अच्छा और काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पनीर को अपने हिसाब से, आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से कट कीजिए। मैंने यहाँ पे इस तरह से क्यूब में पनीर को काट लिया है। उसके बाद इधर कढ़ाई गर्म होने रखी हूँ, कढ़ाई में अच्छा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है, गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 pinch हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से क्या होगा, जब पनीर को आप फ्राई करेंगे तो वो इसमें जो पानी रहता है उसके वजह से क्रकल नहीं करेगा पानी। इस तरह से हमें डाल करके सारे पनीर को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से करके मैं फ्राई कर लूंगी। एक साथ आपके कढ़ाई में जितने पनीर आते हैं उस हिसाब से इस तरह से, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और ज़्यादा परेशानी की भी बात नहीं होती है। लेकिन जब आप इस तरह से पनीर को फ्राई करके रखेंगे तो आपको जब मन करेगा आप आराम से निकालिए और यूज़ कीजिए, काफ़ी समय की भी बचत होगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हल्का सा पिंक कलर आ गया है। अब हम पनीर को निकाल लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। देखिए, इसे हमें हाई फ्लेम में ही करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और इसे हम कलर दें तो थोड़ी देर इसे और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हल्के हाथों फ्राई करना पड़ेगा नहीं तो ये पनीर टूट जाता है। और इसे अगर इस तरह से फ्राई करके रखेंगे तो बिल्कुल आपको टेस्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देख सकते हैं कि ये इस तरह से लाइट पिंक कलर हो गया है। तो एक्स्ट्रा ऑयल हमने रोकते हुए सारे पनीर को निकाल लेना है, इस तरह से रोक करके। इस तरह से मैंने निकाल दिया सारे पनीर को। अगला स्टेप भी इसमें इसी तरह से डाल देती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा जब आप इसी तरह से फ्राई करके पनीर को रखेंगे। तो ये जब तक फ्राई हो रहा है मैं आगे की आपको बता देती हूँ कैसे इसे मैं स्टोर करूँगी। तो यहाँ हमने एकदम ही गर्म पानी लिया है और इस पानी में मैं 1 बड़े चम्मच नमक ऐड करूंगी। नमक डालने के बाद ये जो हमने पनीर जो फ्राई किया है इसमें डाल दूंगी और सारे पनीर को इसी तरह से हमें फ्राई करके इसमें डाल देंगे। कम से कम आधे एक घंटे के लिए सारे पनीर को जब फ्राई करके इसमें डाल दूंगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं आगे का प्रोसेसिंग बताऊँगी। तो इसी तरह से हम सारे पनीर को फ्राई कर लेते हैं। ये पनीर इस तरह से डुबोए हुए कम से कम 1 घंटे हो गए हैं और ये ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये पनीर। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह का एक स्ट्रेनर लेंगे और सारे पनीर को इसमें एक्स्ट्रा पानी इस तरह से निकाल लूंगी
जब आप इस तरह से पनीर को बनाओगे बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी बनेगी। तो इस तरह से आप इसे थोड़े पानी को छानने के बाद देख सकते हैं कि इसमें जो पानी है वो सारा निकल जाना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर इसमें थोड़ा पानी रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से पूरा पानी को निकालते हुए हमें साइड कर देंगे। अब ये पानी यूज का नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पास जिपलॉक बैग अभी इस लॉकडाउन में नहीं मिल पाया, तो मैं एक अच्छा उपाय ढूंढी हूँ। मैं इस तरह का कोई भी आप भुजिया का पैकेट लीजिए, ये ऊपर से जिपलॉक होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पनीर को इसमें आराम से इस तरह से इस तरह से सारे पनीर को मैं इसमें स्टोर करके बहुत ही अच्छे से इसे क्या करना है हमें कि इस जिपलॉक को इस तरह से लॉक करूंगी। एयर अंदर होना चाहिए थोड़ा, और इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके आराम से इसे फ्रीजर में रख करके छोड़ दूंगी। इस तरह से अगर पनीर को आप स्टोर करके रखेंगे तो आराम से इसे आप महीनों जब जितना चाहिए निकालिए और हल्का गुनगुना पानी में इस पनीर को डाल दीजिए, जिससे कि इसके अंदर जो आइस क्रिस्टल बन करके जो जम गया है वो चीज़ आपको ठीक हो जाएगा, एकदम नॉर्मल मार्केट का फ्रेश पनीर के तरह हो जाएगा। इस पनीर को अगर इस तरह से स्टोर करके रखेंगे तो जब भी आपको पनीर की सब्जी बनानी हो या बिरयानी बनानी हो तो आप इसे निकालिए और आराम से यूज कीजिए। लेकिन इसे आपको फ्रीजर में ही रखना होगा, नहीं कि फ्रिज में। फ्रिज में रखेंगे तो ये हो सकता है खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रीजर में रखेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं खराब होगा। बस आपको इतना करना है, यूज करने से पहले इसे हल्का गुनगुने पानी में भिगो के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है तो उस पानी को भी आप सब्जी में डाल करके यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं स्टोर करके हमेशा पनीर को रखती हूँ और इसे फ्रीजर में हमें रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।